हेलो एवरीवन, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड में संकुचन। तो ध्यान रखें, अपन यहाँ पर ये जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये अपने एग्ज़ाम के हिसाब से कहें या अपने कंपटीशन एग्ज़ाम है उनके लिए कहें, तो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है टॉपिक है। और यहाँ से रिलेटेड अपन बात करें तो कोई ना कोई आपके जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनके अंदर इससे रिलेटेड आपके सवाल है वो पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं अपन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जनरली क्या बताया गया है कि जो आवर सारणी है उसमें एक तो बात करें आपके परमाणु त्रिज्या और दूसरी आयनिक त्रिज्या, इन दोनों से रिलेटेड जो अपन मान कहें उनको इसमें इम्पोर्टेंस दी गई है। साथ में अपन यहाँ पर बात करें कि लेंथेनॉइड्स के लिए किस तरह से होती हैं, तो जनरली अपन जानते हैं कि जो परमाणु त्रिज्या और जो आयनिक त्रिज्या है आवर्त सारणी के अंदर वर्ग में ऊपर से नीचे आए तो अपन ने देखा था कि परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या लगातार बढ़ती है। साथ में अपन बात करें कि किसी आवर्त के लिए बात करें तो क्या बताएगी, वर्ग में बाएँ से दाएँ जाने पर सामान्यतः परमाणु त्रिज्या है वो आपके कम होती चली जाती है, अर्थात अपन यूँ कहें कि जो आकार है उसमें कमी आने के फलस्वरूप परमाणु आयनिक त्रिज्याएं हैं उनका मान कम होता चला जाता है। यही अपन बात अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए बात करें तो क्या बताया गया है कि सामान्यतः इनमें परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याओं के जो मान हैं वो लगभग समान रहते हैं, इनमें कुछ ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर मुख्यतः आपको दो बातें ध्यान में रखनी हैं कि जो परमाणु आयनिक त्रिज्याओं के लिए जिम्मेदार होते हैं, मतलब आकार कम हो रहा है बड़ा हो रहा है उसके लिए किस तरह से, तो डी ब्लॉक के लिए अपन यहाँ पर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि जैसे ही हम वर्ग आवर्त के अंदर बाएँ से दाएँ जाते हैं खासकर डी ब्लॉक के लिए, तो यहाँ पर जो नाभिक के आवेश हैं उसके मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे ही नाभि के आवेश के मान में वृद्धि होती है, साथ में क्या बताएंगे जो डी ब्लॉक है उसमें एन माइनस वन डी जो कक्षक है वो ज़्यादा क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, या यूँ कह दें कि वो अंदर की ओर व्यवस्थित होता है, उसमें एन माइनस डी विन्यास देखने को मिलता है। साथ में जो एन एस कक्षक है उसकी उपस्थिति, मतलब यहाँ पर अपन ये कह दें कि जो उपांत्य कक्षक हैं वो अंदर की ओर व्यवस्थित होते हैं, इसलिए क्या बताया गया है कि जो प्रभावी नाभिक की आवेश जो बढ़ रहा उसको प्रतिसंतुलित करने के लिए परिरक्षण प्रभाव इन कक्षकों द्वारा क्या कर दिया जाता है, उत्पन्न कर दिया जाता है। और जैसे ही परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिक के आवेश हैं ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं, उनका मान अलग अलग होता है, तो क्या बताया गया है कि परिरक्षण प्रभाव इसको प्रतिसंतुलित कर देता है, मतलब यहाँ पर जो आकार में लगातार कमी हो रही थी अब उसको क्या कर देता है, ये स्थिर कर देता है। इसीलिए शुरुआती जितने तत्व हैं उनमें प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ता है, मध्य में आकर स्थिर हो जाता है और फिर वापस बढ़ना स्टार्ट होता है, ये मुख्यतः डी ब्लॉक के लिए देखने को मिलता है। अब अपन जिसके लिए बात कर रहे थे कि ये चीज़ जो है एफ ब्लॉक के लिए किस तरह से व्यवस्थित होती है, या अपन यूँ कह दें कि जो लेंथेनॉइड वाला कक्ष है 4F उपकोष कह दें, तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, सामान्यतः जो 4F उपकोष है इसमें जो उपांत्य कक्षक हैं उनमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सामान्यतः क्या होता है, बहुत कम देखने को मिलता है। मतलब क्या है कि अपन जो डी के लिए कह रहे थे कि इनके जो उपांत्य कक्षक अंदर की ओर धसे हुए होते हैं इनमें ऐसा देखने को नहीं मिलता, तो क्या बताया है कि इनके द्वारा जो परिरक्षण प्रभाव लगाया जाता है, परिरक्षण प्रभाव ये भी क्या होता है, बहुत कम मात्रा में यहाँ पर
देखने को मिलता है। जब परिरक्षण प्रभाव का मान बहुत कम हो जाता है तो यहाँ पर जो आपके प्रभावी नाभिकीय आवेश हैं इसके मान में क्या हो जाती है, आपके वृद्धि हो जाती है। और वृद्धि होने के फलस्वरूप सामान्यतः जो 4F उपकोष में उपस्थित जितने भी तत्व हैं उनमें बाएं से दाएं जाने पर क्या देखने को मिलता है, आकार में कमी देखने को मिलती है। सामान्यतः क्या बताया गया है, ये आकार में जो कमी आती है सामान्यतः इनमें कुछ बातों पर क्या करती हैं, ये निर्भर करती है कि भी आकार में कमी आ गई क्योंकि इसमें प्रभावी नाभि के आवेश में वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं वो बताई गई हैं जिस जो क्या करेंगी कि भाई ये जो प्रभाव देखने को मिल रहा है कि प्रभावी नाभि के आवेश में वृद्धि हो रही है ये किस कारण हो रही है, अपन उसके बारे में अभी इसमें देखेंगे। सामान्यतः क्या बताया गया है कि लेंथेनॉइड्स हैं उनमें जो आयनिक अवस्था पाई जाती है सामान्यतः किस अवस्था वाली होती है, Al+3 के रूप में यहाँ पर जो आयनिक अवस्था है लेंथेनॉइड में देखने को मिलती है, जो क्या है आपके सर्वाधिक स्थायी होती हैं। कि भाई इस तरह का इनमें देखने को मिलता है तो क्या बताएगा, इनमें क्या देखने को मिला, सर्वाधिक स्थायित्व देखने को मिलेगा। जैसे ही सर्वाधिक स्थायित्व यहाँ पर देखने मिलेगा अपने को ये चीज़ और दिख जाती है कि सामान्यतः जो इसकी आयनिक त्रिज्या है उसके मान में क्या आने लग जाती है, कमी लग जाती है। आयनिक त्रिज्या के मान में यहाँ पर क्या हो गई, कमी हो गई और कमी भी लगभग इतने तक हो जाती है, 17 PM तक हो जाती है, पैरामीटर तक। अब यहाँ पर ये जो कमी आई है इसके लिए क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो आपके प्रभावी नाभि के आवेश होता है ये है इस चीज़ के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। अब दूसरी चीज़ क्या बताई गई है कि लेंथेनॉइड श्रेणी के जितने भी तत्व हैं उनमें परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं बाएं से दाएं चलने पर, बाएं से दाएं चलने पर यहाँ पर क्या बताया गया है कि जैसे ही ये इस तरफ चलेंगे क्या आएगी, कमी आएगी। किसके कारण, इसके कारण। कमी जैसे ही आती है इनमें संकुचन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब आकार छोटा होने लग जाता है। अब क्या बताया गया, सामान्यतः लेंथेनॉइड्स में ये जो प्रवृत्ति होती है 4F उपकोष में इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इनमें ये चीज़ देखने को मिलती है जिसके फलस्वरूप प्रभावी नाभि के आवेश बढ़ता है, आयनिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या में क्या आती है, बाएं से दाएं चलने पर कमी आती है और उसके फलस्वरूप तत्वों में संकुचन है देखने को मिलता है। जबकि डी ब्लॉक में ऐसा नहीं देखने को मिलता, मतलब डी वाले तत्वों में जो उपांत्य कक्षक थे वो अंदर की तरफ दसे हुए थे या अंदर की तरफ व्यवस्थित होते हैं तो उसकी वजह से जो आपके परिरक्षण प्रभाव है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये वाला आपके मान कम हो जाता है, परिरक्षण प्रभाव कम हो जाता है, तो उसकी वजह परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, प्रभावी नाभि के आवेश कम हो जाता है। तो यहाँ पर अपन डी ब्लॉक के लिए बात कर रहे थे तो उसमें कमी आती आपके लगातार बात की, पहले आकार में कमी है फिर स्थिर और फिर वापस बढ़ना स्टार्ट होता है, तो ये डी ब्लॉक के लिए देखने। लेकिन यहाँ पर अपन बात करें सामान्यतः जो लेंथेनॉइड्स हैं उनमें 4F उपकोष में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही होता है आपके बाएं से दाएं चलने पर परमाणु एक आयनिक त्रिज्याओं के मान में क्या आती है, कमी होती है,
जिसका मुख्य कारण प्रभावी नाभि की आवेश के मान में वृद्धि है, और फिर इसके फलस्वरूप यहाँ पर क्या होगा कि इनके अंदर जो आकार है उसमें लगातार कमी होती चली जाती है। और अब बात करते हैं कि ये जो प्रभावी नाभि के आवेश हैं ये इसको किस प्रकार प्रभावित करता है। तो यहाँ पर देखो कि जैसे ही अवस्था आयनी अवस्था ये बनी, सर्वाधिक स्थायित्व की अवस्था होती है, आयनिक त्रिज्याओं के मान में कमी आती है। तो क्या बताया गया है कि किसी वर्ग के लिए बात करें, सामान्यतः अपने लेंथेनॉइड के लिए कर रहे हैं, तो लेंथेनॉइड तत्व के जो जितने भी हैं उनमें बाएं से दाएं चलने पर लगातार आपके क्या आती है, कमी आती है आकार में। तो इसके फलस्वरूप ये जो पूरी प्रक्रिया है ये क्या आपके कहलाती है, लेंथेनॉइड संकुचन, क्योंकि आकार है लगातार कम होता है। और ये जो आकार में कमी आती है कि लेंथेनॉइड तत्व हैं उनमें आकार में लगातार क्या हो रही है, कमी आ रही है, उस कमी के फलस्वरूप यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, जो लेंथेनॉइड के संकुचन की घटना है वो यहाँ पर प्रेक्षित होगी, दिखाई देगी। अब इसके अलावा इसमें एक टॉपिक और दे रखा आपके, जो अपन बात करने वाले हैं आयनन एंथैल्पी। अब यहाँ पर बात करें आयनन एंथैल्पी के लिए, सामान्यतः क्या बताया गया है कि लेंथेनॉइड्स के जितने भी तत्व हैं उनमें आयनन होगा, और आयनन के फलस्वरूप ये अवस्था पाई जाती है। मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन अवस्था है सामान्यतः प्लस थ्री जो है वो सर्वाधिक स्थायित्व वाली होती है, और सर्वाधिक स्थायित्व में होने के फलस्वरूप जब इन तत्वों का आयनन किया जाता है तो यहाँ पर प्लस थ्री जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो प्रदर्शित की जाती है। जैसे अपन बात करें इन्हीं का एक तत्व है, आपके बात करें इन्हीं के जो तत्व हैं उनमें क्या है आपके देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एलन प्लस थ्री अवस्था स्थायित्व की अवस्था में होती है। अब जब इन तत्वों का प्रथम आयनन किया जाता है, मतलब अपन इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से देखें N-2 F12 14 1NS2, इस विन्यास में क्या बताया गया है कि जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होता है या फिर इनमें उपस्थित जो अवस्था है या जो तत्व हैं उनमें से यदि कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करे और त्याग करने के फलस्वरूप अपनी अलग अलग आयनिक अवस्था बनाता है, तो क्या बनाया गया है कि ज़्यादातर तत्वों में जो प्रथम आयनन होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये, तो क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो अयुग्मित अवस्था होती है ज़्यादातर इनके द्वारा क्या है कि इनसे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। लेकिन जो मध्य वाले तत्व हैं उनमें देखा गया है कि जब आपके 4F7 अवस्था होती है या अपन बात करें 4F14 अवस्था होती है, तो क्या बताया गया है इन तत्वों के लिए जो आयनन एंथैल्पी का मान है, क्या बताया गया है इन तत्वों में जो आयनन एंथैल्पी का मान है सामान्यतः सर्वाधिक पाया जाता है। और आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर पहले आयनन एंथैल्पी का मान कम, मतलब शुरुआती धीरे धीरे बढ़ेगा,
फिर मध्य में जाकर सबसे ज़्यादा होगा और उसके बाद फिर क्या होता है, आपके अंत में कम होने लग जाता है। मतलब प्रथम आयनन के अंदर जो आयनन देखने को अवस्था मिलती है, पहले बढ़ती है, मध्य में स्थिर होती है और फिर घटती है। और अब इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।